पिछले दो वीडियोस के अंदर हमने आपको बताया कि राम जी अब रावण के रिश्तेदार या उनके कजन भाई और बहन के संपर्क में आ चुके हैं और यहाँ से उनका रावण को मारने तक का सफर चालू हो चुका है। इसके अंदर मंदोदरी जो कि रावण की बीवी है उनका भी एक अहम भूमिका रहती है, क्योंकि जब सीता जी को अपहरण कर लिया जाता है तो लंका में सीता जी को बचाने वाली मंदोदरी ही रहती है। मंदोदरी पंचकन्याओं के अंदर कुंती, अहिल्या, द्रौपदी, तारा और मंदोदरी का नाम शामिल किया गया है। इन पंचकन्याओं का नाम लेने से ये कहा जाता है कि आपके सारे द्वेष निपट जाते हैं या आप तृप्त हो जाते हो, सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसे कैरेक्टर रहे हैं जिन्होंने हमेशा सच का साथ दिया है जबकि इनके आसपास बुराइयां बहुत थी। मंदोदरी महिषासुर जो कि असुरों के राजा थे और हेमा अप्सरा उनकी पुत्री हैं। मंदोदरी के दो भाई थे मायावी और दुंदुभी और तीन बेटे थे मेघनाद, अतिकाय और अक्षय कुमार। मेघनाद अपने आप में एक अलग किस्सा है जो हम आपको बाद में बताएंगे, पर मंदोदरी ने अपना सारा जीवन रावण के साथ में व्यतीत कर दिया ये जानते हुए कि रावण जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। और मंदोदरी ने सीता जी के रूप में उनको एक अपनी बहन ही माना और रावण को बार बार समझाया कि आप सीता जी को वापस राम जी के पास पहुंचा दीजिए और रावण को सीता जी को कोई क्षति ना हो कर पाए, इसके बीच में भी मंदोदरी बार बार आती रही है। इसीलिए मंदोदरी जी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और आगे वाले वनवास अध्याय के अंदर हम आपको भी रोचक किस्से बताते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ।